का पीरियड कम करके 5 साल दिया जाएगा, लेकिन आज हम पे लाठीचार्ज करवा रहे हो आप। कहाँ का इंसाफ है साहब, कहाँ का इंसाफ है? हमारे पढ़े लिखे टीचर आज सड़कों पे पिछले 16 दिन से प्रोटेस्ट पे है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने शव यात्रा चलाई, हमने अपनी पॉलिसी को अपने कंधों पे अपनी डेड बॉडीज को निकाला, तिरंगा रैली निकाली, आपने हमें मजबूर किया सड़कों पे आने पे। और आज हम ठीक है, एल सी प्रशासन के पास बहुत ताकत है, हमें गोलियां दे के मार सकती है, तुम मार। हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है, सच्चाई की ताकत। अल्दी साहब आगे हम कहाँ पे है, क्या आपको नहीं दिख रहा? क्या आप तक इतनी सी बात नहीं आ रही है कि 7 साल से 5 साल का साल हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे? हमने कुछ ज्यादा नहीं मांगा, हमारा टाइम पीरियड कम कीजिए और हमारा मंथली सैलरी एटलीस्ट इतनी कीजिए कि हमारा घर चल जाए। कहाँ का इंसाफ है? बेटियों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? एलजी साहब एक ट्वीट करके बता दीजिए कि ये इंसाफ है। आपके पास एलजी साहब टाइम नहीं है आने का, हमसे मिलने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट इतना ट्वीट कर दीजिए। वालों के कसीटे से आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है? क्यों नहीं चोट लगी है? कहाँ आप भी जरा सड़क पर ले दिए और 15-15 लड़े कसीटे के ले दिए, जरा पता चलेगा कि चोट आती है कि नहीं। लेकिन भारी चोटों से हमें कोई तकलीफ नहीं दी, क्योंकि हमारी अंदर आत्मा खत्म हो चुकी है, हम जिंदा लाश है। जिंदा लाशों को क्या चोट का एहसास होगा? हमें मार दीजिए यहीं पे, खत्म कर दीजिए हमें यहीं पे। इस माहौल में हम गिन रहे हैं कि किस पे हो रहा है किस पे नहीं। हम हमारा सबका यही हाल है, हम जिंदा लाश बन चुके हैं। हमारे 133 रुपए से घर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? जी साहब हमारी गुहार अब तक नहीं पहुंच रही है, ये मांगे बच्चे सड़कों पे है, आगे बच्चे आज सड़कों पे। जी साहब बाहर आइए, अपनी चुप्पी तोड़िए, अपने टीचर्स को देखिए, 2670 टीचर।